हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़े, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो हम शेयर्स जिस रेट पे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है, जो रेट पे कंपनी ने स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू रखी थी शेयर्स की वो नॉमिनल वैल्यू होती है, और इसके तीन कंडीशन दिए हुए थे, एट पार, अबव पार, बिलो पार। देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। और एक सेकेंड टर्म था अबव पार और एट अ प्रीमियम। मीन्स इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। एक थर्ड पार्ट था इसमें बिलो पार, जिसमें क्या होता है हमें डिस्काउंट रेट पे शेयर मिलते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर है उसका शेयर का दाम कम हो गया है और कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ये बहुत ही आसान है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और डिविडेंड हमेशा एक परसेंटेज वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाता है, और कंपनी अपना डिविडेंड का वैल्यू खुद ही देती है कि उसको कितना परसेंट शेयर होल्डर को कमीशन देना है। और उसमें डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कंपनी ने अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू रखी थी। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस समय जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने कंपनी शेयर खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं। उसके बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी, अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इन टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने सम इन्वेस्ट किया है। अगर हमें पता है कि हमने कितना पैसा लगा दिया है और एक शेयर की वैल्यू पता है, तो हमने कितना शेयर खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए 200 रुपये के शेयर खरीद लिया और एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो आपने कितना शेयर खरीदा, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200/20, तो आपका 10 शेयर्स आपने खरीदा है। और इसको नंबर ऑफ शेयर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ऑन डिविडेंड ऑन वन शेयर। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो ये आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। एक थर्ड फार्मूला होता है, टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मैं अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, आपको रेट ऑफ़ डिविडेंड पता है कि कंपनी कितना रेट ऑफ़ डिविडेंड दे रही है, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम टोटल डिविडेंड हमको कितना कंपनी ने दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और इसको निकालने के लिए देखते हैं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी इनकम हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर 100% आपका लग जाता है। फिर फॉर अ शेयर होल्डर, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये आपके सिंपल 5 फॉर्मूले हैं जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। फिर ये इसके बाद हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब इसके हम एक्सरसाइज थर्ड बी लगाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एट अ डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, कंपनी को घाटा हुआ है, वो अपने शेयर कम दाम में निकाल रहा है 10% कम दाम पे। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर्स बीइंग 20%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फेस वैल्यू दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही चीज़ है, चाहे फेस वैल्यू बोलिए चाहे नॉमिनल वैल्यू बोलिए, वो है 50 रुपीज़। मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि कितना है, 10% डिस्काउंट है, तो हम माइनस कर देंगे उसमें से 50 रुपीज़ में 10%। और हमारा रेट ऑफ डिविजन, हमें डिविडेंड एज्यूम करना पड़ेगा, वो दिया नहीं है कितना है, और प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर
इज 50, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल टू 50 माइनस 50 इंटू 10%, 10% के डिस्काउंट पे दे रहा है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस 5, ये आएगा 45। तो मार्केट वैल्यू हो गई ऑफ ईच शेयर रुपीज 45। अज्यूम रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू एक्स परसेंट, हमको पता है कि रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना भी है रेट ऑफ डिविडेंड, सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को, हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। एक्स परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 20% ऑफ मार्केट वैल्यू। एक्स परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है 50, 20% ऑफ 45। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 45, ये कैंसिल किया, एक्स इज इक्वल टू आएगा 20 इंटू 45 अपॉन 50। सॉल्व करेंगे 9, 10 कैंसिल किया आया 18। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड की वैल्यू निकली 18। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, फिर उसको परसेंटेज में लिखेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 80% एंड दिस इज द आंसर।